नमस्कार, पलपल भारत में आपका स्वागत है। आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य विषय है जो 18 जून को अमित शाह जी सरसा के अंदर रैली रखी होंगी। हम लोग इस रैली का बहिष्कार करते हैं और आम लोगों से भी अपील करते हैं, खासकर किसान और मजदूर लोगों से, भाई आप इन लोगों से दूरियां बना के रखें, क्योंकि ये लोग बार बार आप लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं। कल देखो बीजेपी सरकार की कितनी ओछी मानसिकता थी, वो किसान अपना MSP ही मांग रहे थे, इससे ज़्यादा क्या मांग रहे थे। उनको ऊपर इतनी बुरी तरह से लाठियां मारी गई, उन लोगों को भगा भगा कर पीटा गया। हम सरपंच एसोसिएशन की तरफ से आह्वान करते हैं लोगों से कि इससे दूरी बना के रखें और हम हर प्रकार से इस रैली का विरोध करेंगे जमकर। हमें कुछ भी करना पड़े, सरकार कुछ किसी भी प्रकार से हमें रोकने की कोशिश करें, हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। अब हम अपनी लड़ाई जोर शोर से लड़ते रहेंगे और 20 जून को पूरे हरियाणा के अंदर 10 के 10 लोकसभा सांसदों का हम उनके घरों का घेराव करेंगे। हर लोकसभा के अंदर अपने 10 के 10 लोकसभा के जो अपने मेंबर हैं इनके सबका हम घरों का घेराव करने वाले हैं और गाँव के अंदर अपने अपने गाँव के अंदर हम किसी भी बीजेपी जेजेपी के नेताओं को गांव में नहीं आने देंगे और इन लोगों का विरोध करते रहेंगे। हम लोग अमित शाह का आप विरोध करेंगे या बहिष्कार करेंगे, इसका अलग अलग फर्क है। हम लोग विरोध करेंगे इनकी रैली का, हर प्रकार से काले झंडे भी दिखाएंगे और अपने लोगों को विरोध करेंगे भाई इनकी रैली में शामिल ना हो। आपका विरोध होता है उससे पहले आपको नजरबंद कर दिया जाता है पुलिस द्वारा। नजरबंद कितने लोगों को करेंगे, ये लोग हमें नजरबंद कर लेंगे, हमारे साथी बहुत हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि हम इन लोगों की पकड़ से भी बाहर रहेंगे इस बार। तो आपका जो एजिटेशन है, जो लंबे समय से चल रहा है, कहां तक पहुंचा है, कितनी कामयाबी मिली है, कितने स्तर की बातें होनी? 2-3 सत्र की हमारी बातें हुई है लेकिन सरकार की मंशा साफ नहीं है। सरकार पंचायती राज का जो बजट है इसका दुरुपयोग करना चाहती है, क्योंकि 2 साल के अंदर इन लोगों ने जो पंचायती राज का बजट था उसका भरपूर दुरुपयोग किया अपने अधिकारियों के साथ मिलकर। अब ये लोग आगे भी इन लोगों की मंशा से ठेकेदारी प्रथा लागू करना चाहते हैं और ग्रामीण क्षेत्र का जो बजट है उसको हड़पना चाहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के विकास को बाधित करना चाहते हैं। तो बीच में देखो अगर सरकार की मंशा है बातचीत करने की, वो अपना आधिकारिक तौर से या किसी भी प्रकार से हमें निमंत्रण दे तो बैठ कर हम बात करने के लिए तैयार है, बगैर बुलाए हम थोड़ा जाएंगे किसी के पास। रैली का विरोध किस तरह से दर्ज किया जाएगा? रैली का विरोध हर प्रकार से करेंगे हम, काले झंडे भी दिखाएंगे और अपनी मांग भी रखेंगे। अगर हम लोगों को अंदर घुसने का मौका मिला तो अमित शाह के सामने हम पंचायती राज एक्ट की अपनी जो मांग है वो रखेंगे उनके सामने। उनका विरोध करने से पहले क्या अमित शाह को कोई लेटर भी लिखोगे? हमने पहले ही अमित शाह को ज्ञापन दे चुके हैं। हम लोग जब अपना जंतर मंत्र पे गए थे तो हम लोगों ने इनको ज्ञापन दिया था अमित शाह जी को, इन लोगों को इनको पता है हमारी मांग के बारे में, लेकिन सरकार की मंशा बिल्कुल भी साफ नहीं है। पंचायती राज जो एक्ट है ये लोग उसको खत्म करना चाहते हैं। लोकतंत्र के अंदर 3 ही सरकार है, लोकसभा, विधानसभा और ग्राम सभा, लेकिन ये लोग बार बार ग्राम सभा के अधिकारों को समाप्त करने पे तुले हुए हैं। आपके पत्र का कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने? कोई जवाब नहीं आया हमारे पत्र का। इन्होंने गवर्नमेंट के पास प्रस्ताव मांगे थे गांव में पंचायतों के, वो प्रस्ताव कितने सरपंचों ने दिए कितने नहीं दिए? देखो प्रस्ताव के तुम लोगों ने बोल दिया था सभी को भाई इनको प्रस्ताव दो, बड़े बड़े प्रस्ताव दो, लेकिन ये लोग सिर्फ गुमराह करते हैं। जिन लोगों ने प्रस्ताव दिए हैं आज तक उनके एस्टीमेट नहीं बने हैं, कहीं भी काम शुरू नहीं हुए, ये बिल्कुल गुमराह करते हैं कि आप प्रस्ताव दो हम काम देंगे। भाई 2 साल जब ग्राम पंचायतें नहीं थी, कितने गांव के अंदर जाकर इन नेता लोगों ने अपना ग्राम सभा बुलाई और लोगों से कितने लोगों से पूछा था कि आपके गाँव की क्या समस्या है? इन लोगों का विकास से कोई मतलब नहीं है। हरियाणा सरकार के मंत्री जाते हैं या केंद्रीय मंत्री आते हैं, कुछ कुछ सरपंच भी नजर आते हैं जन समान कार्यक्रम में, काफी सरपंचों ने शिरकत की। सरपंच तो 1-2 ही होता है, ये अपने वैसे ही सरपंच बना देते हैं। पहले पंचायत मंत्री का टोहाना के अंदर प्रोग्राम था, उन लोगों ने फर्जी सरपंच बिठा रखे थे, कोई पार्षद था कोई कुछ था, उनको सरपंच बता रहे थे। ये लोग बार बार गुमराह करते हैं और हम लोग मीडिया के माध्यम से कई बार बोल चुके हैं अगर सरकार कहती है कि सरपंच हमारे साथ है, 6226 में से 500 सरपंच इकट्ठा करके सरकार दिखा दे हम मान जाएंगे सरपंच इनके साथ है। पूरी की पूरी ग्राम पंचायत एकजुट है और सरकार के खिलाफ है। नहीं, जो अपने जो 3 दिन का जनसंवाद रहा उसके अंदर भी आपने सरपंचों का देखा होगा कि कौन सरपंच पहुंचा था और किस सरपंच ने जैसे भी है कोई प्रोग्राम किया है,
तो ये देखो सरपंचों की एकता तो जो सामने दिख रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि सरपंच सरकार के साथ है। आज हमारे भाईचारे पे बात आई खड़ी है या सरपंच पे बात आती है, सरपंच हमारे साथ खड़े हैं। स्टार्टिंग से लेके आज तक यही कहा है कि जो भी जेजेपी और बीजेपी के नेता हमारे गांव में या हमारे सिरसा शहर में या हल्के में घुसने का काम करेंगे वो खुद जिम्मेवार होंगे, क्योंकि आज जो सरपंच है, किसान है, सारा हर वर्ग समझ चुका है, इनकी जो भी कूटनीतियां हैं वो सारा वर्ग समझ चुका है, और आज जो भी वर्ग है वो हमारे साथ खड़ा होगा। ये नहीं है कि अकेले सरपंच विरोध कर रहे हैं। आपने देखा होगा तीन दिन जनसंवाद हुआ सीएम साहब का, तो उसके अंदर आपने अलग अलग बातें देखी। एक महिला थी, उसने चिट्टे के खिलाफ जैसे भी अपने बेटे की बात आई तो इसने आवाज उठाई, तो उसमें सीएम साहब का क्या सामने देखो ना, वो किस पार्टी से बंधी हुई थी। भी पार्टी का नाम देते हैं कि कुछ एक पार्टी के लोग हैं जो इसमें घुस के जो हमारा विरोध कर रहे हैं, तो उसमें पार्टी वाली कौन सी बात है। उसके घर तो बेचारी के खाने को दाने भी नहीं है, और आज वो बेटे की गुहार लगाती है तो सीएम साहब कहते हैं कि बैठ जा माई बकाई आई है किसी की। तो देखो जनसंवाद हुआ, उसके अंदर हर वर्ग को पीटा गया, तो जहां तक दिख रहा है सरकार इतनी डरी हुई है। आज जनसंवाद करने की बात आती है, काम किए होते जनसंवाद करने की जरूरत ही ना होती सरकार को। हम तो फिर भी मीडिया के माध्यम से मांग रहे हैं कि 9 साल का हिसाब दीजिए, आपने क्या किया है बताइए। आज आम नागरिक है वो तैयार खड़ा है, जो आपने काम किए वो सामने दिखाओ ना। मतलब जनसंवाद के दौरान एक महिला सरपंच से भी मुख्यमंत्री का नोकझोंक हुई, उसके ऊपर आपकी एसोसिएशन ने क्या संज्ञान लिया है? देखिए जो महिला सरपंच थी, ठीक है हमारा दायित्व बनता है कि एक महिला हूँ और महिला के लिए मैं आवाज भी उठा रही हूँ, ठीक है। वो बीजेपी के जो भी प्रोग्राम हुआ और जो सरपंचों के प्रोग्राम हुए हमारे साथ नहीं खड़ी थी, और आज उस पर बात आई है तो उस पर बात आती तो हम सरपंच सारे इकट्ठे होके उसका साथ देने के लिए आज भी तैयार है। क्या बात है, ऐसे थोड़ी है कि हमारा भाईचारा है तो वो तो इकट्ठा ही रहेगा। और उस लेडीज ने सीएम के पैरों में दुपट्टा तक आट डाल दिया, प्रोग्राम किया सीएम का, तो और तो किसकी सुन सकते हैं। आपने बेटियों को भी देखा होगा, बेटियां भी जंतर मंतर पे बैठी, उनको भी कैसे पिटा गया। अरे इस सरकार ने तो किसी वर्ग को नहीं छोड़ा, किसानों को पिटा, सरपंचों को पिटा, बेटियां जो जंतर मंतर पे बैठी उनको पिटा, फिर लास्ट में बात आई बोले मेडल वो उसमें गंगा में बहाने की बात आई। तो मैं तो ये कहती हूँ कि आज बेटियां मेडल बहाने के लिए गंगा में चले गई तो उन बेटियों के कारण जो देश का नाम हुआ और मोदी की नाक ऊंची हुई है, तो वो नाक कटवा लेना। मैं तो ये मीडिया के माध्यम से कह रही हूँ, आज देश का नाम ऊंचा है, सरकार का नाम ऊपर हुआ है, तो मोदी जी पहले आप अपनी नाक कटवाइए, उन बेटियों की बदौलत है वो सारी। ये बात अलका के प्रधान चंद्रमोहन जी बैठे हैं, तो इन्होंने बबली जी का विरोध किया था कुछ दिन पहले, तो बबली जी का एक बयान आया था भी ये सरपंच गांवों का विकास नहीं होना देना चाहते। मेरे पास ये लिस्ट है जो मेरे सिरसा अपने सिरसा डिस्ट्रिक्ट की है, ये टेंडर हुए हैं 2-2 साल हो गए जिस टाइम सरपंच नहीं थे, और इनका टाइम पीरियड था किसी का 180 दिन किसी का 250 दिन जैसे टेंडर प्रक्रिया में होता है, तो आज तक इन गांवों का काम कंप्लीट नहीं हुआ। तो कौन सी ये पारदर्शिता चाहते हैं, ऐसे काम ये पारदर्शिता से होंगे, ये सब शरेआम मतलब वो ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा देकर उसमें अपना कमीशनखोरी के चक्कर में है। उनके मंत्रियों को और अधिकारियों को ईमानदारी का पता लग जाएगा। ई लाइब्रेरी और जिम की जांच करवाएं, और जो फोगिंग मशीनें खरीदी गई थी उनकी जांच करवाने का काम करें, ताकि जनता के सामने इन लोगों की सच्चाई सामने आ सके। और एक बात और मैं आपके माध्यम से मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि 3 दिन जनसंवाद हुआ हमारे सिरसा के अंदर, उस टाइम जो काम हुआ, क्यों सफाई भी हुई है, सड़कों के भी काम हुए हैं, तो उस टाइम ई टेंडर प्रक्रिया कहाँ थी? मैं ये जवाब सरकार से मांगना चाहती हूँ कि उस टाइम ई टेंडर क्यों नहीं करवाई? टेंडर होके ही काम होता तो टेंडर से ही करवाते हैं ना, कितना पैसा लगा होगा? इस चीज का मैं मीडिया के माध्यम से जवाब मांगना चाहती हूँ, सरकार इस जो मैटर है इस पे जवाब दे। क्योंकि हम लोगों ने 10 दिन का टाइम दिया था सरकार को, 10 तारीख के बाद 11 तारीख से हम लोग बैनर लगाने का काम करेंगे, और जो भी जिस भी गाँव के अंदर ये लोग आएंगे तो गाँव के अंदर इन लोगों का विरोध किया जाएगा। टोटली ग्राम पंचायत एकजुट है, आप देखना है धीरे धीरे ये आंदोलन पूरे भारत के अंदर खड़ा होगा। उत्तरी भारत के अंदर तो आप लोगों को 1-2 महीने के अंदर ही देखने को मिलेगा, पंजाब में भी सरपंच इकट्ठा होने लग रहे ग्राम पंचायत, MP के अंदर भी, छत्तीसगढ़ के अंदर भी, महीने के अंदर देखना आप, उत्तरी भारत में तो हर स्टेट के अंदर आप लोगों को ये आंदोलन नजर आएगा ग्राम पंचायतों का। थैंक यू सर। दौलतपुर बड़ागुड़ा ब्लॉक के दौलतपुर खेड़ा मल्ले वाला रोड़ी
सारनी सुखचैन बुरज करमगढ़ गोदीका जूटी खेड़ा कालूआना मलकाना ये टोटली 40-45 गांव। अभी जो सरकार का मेन मकसद है ना, वो जो गांव में आ रहे हैं या कहीं भी जगह जा रहे हैं, उनका मेन मकसद है अपने जो पैरों तले जमीन टिकाने का मकसद है, और कोई ये काम नहीं करने वाले और कोई कुछ करने वाले। काम ही करना होता तो आपके सामने है, 9 साल निकल गए, कर देते काम है, हमने कोई मना थोड़ी किया है। आज विरोध होने लगा है, आम जनता दुखी हो चुकी है तो विरोध होने लगा है। काम ही करने होते तो पहले करते। अब तो ये है ना, क्योंकि बौखला चुकी है सरकार इतनी बुरी तरह कि इनको कहीं नहीं दिख रहा कि कहीं से कुछ हासिल होने वाला है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि 2024 के अंदर इनका बिल्कुल 100% सूपड़ा साफ हो जाएगा, किसी कीमत पे कोई भी वर्ग बख्शने वाला नहीं है इनको।